गाइस वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए व्हाई डू मुस्लिम वेयर हिजाब एंड बुर्का। सो द थिंग इज, ये क्वेश्चन तो बहुत टाइम से था कि भाई क्यों पहनते हैं और क्या है ऐसा रीत कि उनको ऐसे हिजाब या बुर्का पहनना पड़ता है। बिकॉज हमने देखा हुआ है कि हमेशा से, जब से हमारे अराउंड ऑफ कोर्स मुस्लिम्स होते हैं तो उनको देखते हैं हम ये पहनता हुआ, तो ये हमेशा सवाल रहता था कि वो ऐसा क्यों पहनते हैं, क्या रूल्स है, क्या चीज़ है, वो चीज़ कभी समझ नहीं आई। तो मेरे ख्याल से ये वो फाइनल वीडियो है, बिकॉज इस पर अच्छे खासे व्यूज़ भी हम लोगों को पसंद भी आए, लाइक्स भी अच्छे खासे हैं। तो मेरे ख्याल से ऑफकोर्स हमें एक परफेक्ट डिसीजन मिल जाएगा कि क्यों मुस्लिम जो है वो हिजाब या बुर्का पहनते हैं। सो देखते हैं। पर हमेशा स्टार्टिंग से ये हुआ है कि लाइक हमारे ना इंडिया की बात करें तो हमारी क्लास में ऐसा तो होता ही था। स्टार्टिंग से एक या तो दो तीन लड़कियां ऐसी होती थी स्कूल में या फिर क्लास में जो मुस्लिम होती थी, जो हिजाब पहनती थी। तो हम लोगों ने ना ही उनसे कभी पूछा कि आप क्यों पहनते हो, ना ही हम लोगों ने कभी जानने की कोशिश की कि यार मुस्लिम हिजाब क्यों पहनते हैं। तो आज ये वीडियो से हम लोगों को पता लगेगा कि लाइक क्यों मुस्लिम है वो हिजाब पहनते हैं, क्यों अपने लाइक बेसिकली कवर करके रखते हैं अपने हेड को। तो इस वीडियो से वो चीज़ पता लगने वाली है। हालांकि जो ये सिस्टम है हिजाब का, वो इंडिया में भी था एक टाइम, पर इंडिया में हिजाब नहीं बुरखा नहीं करते थे, घूंघट सिस्टम था। और आज भी वो चीज़ एग्जिस्ट करती है इंडिया के कहीं बैकग्राउंड, आई मीन इंडिया के कहीं बैकवर्ड एरियाज में अभी भी एग्जिस्ट करती है वो लोग, गाँव वगैरह साइड। लेकिन एक प्रॉपर अगर हम बात करें सिटीज की, तो आज यहाँ पे बहुत कम लोग हो गए, लिटरली 5% पॉपुलेशन हो गया औरतों की जो ऐसे वो बुरखा तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन जो घूंघट करती है। तो बाकी इस वीडियो से कंफर्म होएगा कि क्यों ऐसा है, क्या इसके रीजन है। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है, भाई देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज मैं आपको बताऊंगी कि मुस्लिम गर्ल्स या लेडीज हिजाब या बुर्का क्यों पहनती है। ये वीडियो स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के लिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेरीज और क्वेश्चंस उन्हीं को होते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि मुस्लिम वुमेन इस तरीके से अपने आप को ढकती हैं। एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि ये हिजाब होता क्या है। तो हिजाब का मतलब है टू कवर। ये जो स्कार्फ हम अपने सर पर ढकते हैं इसको हिजाब कहते हैं, और ये इसलिए ढका जाता है ताकि हमारे बाल ढक सकें, बिकॉज वी बिलीव कि एक औरत की खूबसूरती उसके बालों में भी होती है। तो हम अपने बाल भी ढकते हैं, एंड ऑल्सो विद दिस क्लॉथ हमारी चेस्ट भी कवर हो जाती है, विच यू ऑल नो इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ वुमेन। अपार्ट फ्रॉम दिस, मुस्लिम वुमेन लूज कपड़े पहनती हैं ताकि उनका बॉडी शेप रिवील ना हो। अब जरूरी नहीं कि वो बुर्का ही पहने, वो और भी तरह की कोई भी मॉडर्न ड्रेसिंग पहन सकती हैं जिससे बॉडी शेप रिवील ना हो, टाइट बॉडी ना हो। सिर्फ इतने हाथ, इतना फेस और नाखूनों तक पैर जो होते हैं वो विजिबल हो सकते हैं, बाकी बॉडी कवर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वजह है जो मुस्लिम वुमेन इस तरीके से ड्रेसअप होती हैं। तो इसका आंसर ये है कि ऐसा करने के इंस्ट्रक्शंस अल्लाह ने कुरान में दिए हैं। कुरान में सिर्फ औरतों को ही नहीं, मर्दों को भी ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो अपनी नजरें नीची रखें, मॉडेस्टली ड्रेसअप हों और औरतों को इज्जत से ट्रीट करें। मुस्लिम्स का अल्टीमेट लाइफ गोल यही होता है कि जो कुरान में अल्लाह ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या हमारे प्रॉफिट ने जो हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है, हम उसे फॉलो करें। तो ये कुरान की आयत पर मुस्लिम लेडीज कोशिश करती हैं कि वो अमल कर सकें। ऐसे ड्रेसअप होने की एक और सिग्निफिकेंस ये है कि आप देखते ही बता सकते हैं कि ये एक मुस्लिम लेडी है। तो हिजाब एक आइडेंटिफिकेशन है एक मुस्लिम की। अनदर वेरी कॉमन क्वेश्चन है कि क्या हम ये हिजाब हर वक्त पहनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम घर पर हिजाब नहीं पहनते। बेसिकली अपने हस्बैंड के सामने, अपने फादर के सामने, अपने भाई के सामने, अपने फादर इन लॉ के सामने, बच्चों के सामने, मामूओं के सामने या लेडीज के सामने, कोई भी तरह की फीमेल के सामने हमें कोई जरूरत नहीं है पर्दा करने की। वी कैन बी वेरी नॉर्मल। इट्स जस्ट दैट पर्दा उनसे किया जा सकता है जिनसे आपका निकाह हो सकता है। सो व्हेनेवर वी गो आउट इन पब्लिक गैदरिंग या इन मार्केट्स और इन पब्लिक प्लेसेस, तभी हम ऐसे अपने आप को कवर करते हैं, अदरवाइज वी चिल आउट एट होम। एंड अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हर कोई पूछता है वो ये है कि क्या आपको फोर्स किया गया है हिजाब पहनने के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेजॉरिटी मुस्लिम वुमेन अपनी मर्जी से पर्दा करना शुरू करती हैं। बेसिकली व्हेन अ गर्ल रीचेस हर प्यूबर्टी, जब एक लड़की बालिग हो जाती है, तब से इट इज एडवाइज दैट वो अपने आप को मॉडेस्टली ड्रेसअप करना शुरू करे।
फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया हिजाब पहनने के लिए. उन्होंने मुझे अच्छी और सही तालीम दी, दीन की भी और दुनिया की भी. एंड देन इट वॉज अप टू मी वेदर आई वॉन्ट टू ऑप्ट इट और नॉट, एंड आई डिड. और ये चीजें ऐसी हैं, आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते. जब इंसान खुद सोच कर समझ कर इसको एक्सेप्ट करता है तभी वो लाइफ लॉन्ग चल सकती है. जबरदस्ती वाली चीजें ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाती. Another common misconception is कि ब्लैक कलर का बुरखा पहनना जरूरी है. नहीं, ऐसा नॉर्मली वही दिखता है वही कलर. आपकी ड्रेसिंग जो है वो मॉडेस्ट होनी चाहिए, कपड़े लूज होने चाहिए, बॉडी शेप नहीं दिखना चाहिए, यहाँ तक आपके हाथ कवर होने चाहिए, टखनों तक पैर कवर होने चाहिए और इतना फेस विजिबल होना चाहिए. अब आप ये किसी और ड्रेस के थ्रू भी कर सकते हैं तो आप वो ड्रेस पहनिए, जरूरी नहीं कि आप बुरखा ही पहने. ऑल्सो जरूरी नहीं कि इफ यू आर वेयरिंग अ बुरखा वो ब्लैक कलर का ही हो, इट कैन बी ऑफ एनी कलर. तो ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है क्योंकि मेजोरिटी वेमेन ब्लैक बुरखा पहनती है, बट ये कोई कंपल्शन नहीं है, जरूरी नहीं है. बस जो मेन चीजें हैं लाइक द बेसिक कवरिंग ऑफ द बॉडी, वो चीजें फुलफिल अगर होती हैं तो आप कुछ भी पहन सकते हैं अंडर दोज रिस्ट्रिक्शंस. हिजाब सिर्फ एक ड्रेस कोड नहीं है, ये काफी डीप चीजें सिग्निफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल इट्स अ बैरियर बिटवीन अ मैन एंड अ मुस्लिम वुमन. ये सिग्निफाई करता है कि एक जो मुस्लिम लेडी है उसे कोई भी आदमी या लड़का ऐसे कैजुअली बिहेव नहीं कर सकता, कैजुअली उसको टच नहीं कर सकता, उसके सामने इनडिसेंट बिहेवियर नहीं कर सकता, उसके सामने इनडिसेंट बातें नहीं कर सकता. ये एक सिग्निफिकेंस है कि जो मुस्लिम विमेन है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल विमेन है, उनके सामने तमीज से पेश आना है, उनसे बहुत अदब से बात करनी है और अपनी हद में रहना है. सो अ हिजाब टेल्स अ मैन टू ट्रीट अ मुस्लिम विमेन विद अटमोस्ट डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट. जो लड़कियां हिजाब नहीं भी पहनती, जब उन्हें नमाज पढ़नी होती है तब उन्हें दुपट्टा बांधना पड़ता है, अपने हाथ पैर कवर करने होते हैं, तब ही वो नमाज पढ़ सकती हैं. तो इंसान को इस तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए कि जिस तरीके से वो अल्लाह के सामने खड़ा होता है, जिस तरीके से अपने आप को अल्लाह के सामने रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही वो अपनी जिंदगी के बाकी टाइम में भी ड्रेसअप हो और बाकी लोगों के सामने भी वैसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट करे. एंड लास्टली, अगर किसी को भी ये लगता हो कि मुस्लिम विमेन ऑप्रेस्ड हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप इस्लाम को डीपली स्टडी करिए, आपको पता लगेगा कि इस्लाम इज द ओनली रिलीजन जिसमें विमेन को इतनी जबरदस्त राइट्स दी गई हैं. Women are treated with utmost respect in Islam. They have been given the highest status in Islam. आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि मुस्लिम विमेन बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन हासिल कर रही हैं, डिग्रीज हैं उनके पास, वो हर प्रोफेशन में बेहतरीन काम कर रही हैं और वो किसी से दबती नहीं है. दे आर जनरली वेरी कॉन्फिडेंट वुमेन एंड दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल. हिजाब पहनने से किसी की पर्सनालिटी कम नहीं हो जाती, इनफैक्ट इट इज एन एडिशन टू द पर्सनालिटी. जो लेडीज हिजाब पहनती हैं उनके भी पैशन होते हैं, उनके पास भी एजुकेशन होती है, उनका भी इंटेलेक्ट होता है, उनके भी डिजायर्स होते हैं. दे आर वेरी नॉर्मल एंड कंप्लीट ह्यूमन बींग्स. इट डज नॉट मेक देम डिफरेंट और एनी लेस दैन एनीवन एल्स. मीडिया में ज्यादातर ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि मुस्लिम वुमेन पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनकी राइट्स को छीना जा रहा है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो मीडिया में शो किया जाता है, जरूरी नहीं कि वो सही हो. अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप किसी मुस्लिम से जाकर पूछिए या आप अपनी खुद की रिसर्च करिए, इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. आप प्लीज जो मीडिया की ब्लाइंड ब्रेन वॉशिंग चल रही है उस पर बिलीव ना ही करें तो बेहतर होगा. जब मैंने हिजाब पहनना शुरू किया था तकरीबन 5 साल पहले, तब इंडिया में हिजाब की या इस टोपी की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम थी. स्लिपरी दुपट्टे, ट्रांसपेरेंट दुपट्टे ज्यादातर होते थे हर इंडियन ड्रेस के. तो मैंने ये महसूस किया कि इस चीज की कमी है हमारी कंट्री में. एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन हिजाब ब्रांड roshasultan.com, जहां पर हर तरीके के, हर कलर में, हर वेराइटी के हिजाब अवेलेबल है. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरा कलेक्शन देखने के लिए तो आप roshasultan.com से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक आई ओपनिंग वीडियो थी. बिकॉज पहले हमें लगता था कि भाई वो शायद फोर्स्ड होता हो या वैसा होता हो, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट किया गया कि नहीं, पे फोर्स नहीं होता, सब अपनी चॉइस से करें. तो अगर वो नहीं चाहती तो नहीं ले सकते और वो मना भी कर सकते हैं, लेकिन फिर ये है कि भाई आपको वहाँ पे मतलब हर चीज़ की एजुकेशन दी जाती है तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं. अभी भी मुझे एक क्वेश्चन है, वो ये है कि लाइक किस तरीके से मुस्लिम्स का जो बुरखा होता है सो लाइक उसमें वो फेस भी कवर होता है. तो लाइक हमने इस वीडियो में देखा कैसे उन्होंने बताया कि लाइक हैंड्स और साथ में आप देखो तो
फीट और फेस दिख सकता है इस हिजाब के अंदर। और हिजाब और बुरके में मेजरली क्या डिफरेंस आ जाता है, क्यों ऐसा है कि भाई कुछ लोग हिजाब पहनते हैं कुछ लोग बुरका पहनते हैं? तो ये एक दो माइनर माइनर क्वेश्चंस रह गए, पर मेजर जो क्वेश्चंस थे इस चीज़ के अराउंड वो यहाँ पे सॉल्व कर दिए गए हैं, और उससे काफ़ी हद तक आप कह सकते हो पता चल गया कि हाँ यहाँ पे सब अपनी पर्सनल चॉइस से पहनते हैं और जो कलर का पहना पहना, क्योंकि हमने ब्लैक बहुत देखा हुआ है, हर जगह देखा है, तो ब्लैक ही मेजरली देखा है कि वो बहुत पहना था। ऑफकोर्स मेरे ख्याल से शायद ब्लैक जो है फेवरेट कलर होता होगा, वो चीज़ होती होगी, वरना तो क्यों सबके सब ब्लैक ही पहने। पर हाँ इन्होंने खुद ने एक अलग वैरायटी का पहना हुआ है, सो वो चीज है, तो यहाँ पे काफी क्वेश्चन सॉल्व हो। और इन्होंने एक चीज कही कि इस्लाम में औरतों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, तो मुझे भी यही लगता है कि इस्लाम में औरतों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। लाइक हम लोगों ने इतनी सारी वीडियोस देख ली, और मेरे जो फ्रेंड्स है वो काफी मुस्लिम है, तो इससे पता लग जाता है कि यार जो इस्लाम है उसमें औरतों को रिस्पेक्ट मिली जाती है। तो ये कहना गलत होगा कि बेसिकली औरतों को ऐसे कॉम्प्रेस किया जाता है, ऐसे दबाया जाता है इस्लाम में, तो वो चीज़ कहनी गलत होगी, क्योंकि सेम आजकल यही है कि जैसे हम लोग है हिंदू है हम सिख है, अगर हम लोग अपनी अच्छी क्वालिफिकेशन ले रहे उसके बाद आगे जॉब करें, तो सेम ऐसे मुस्लिम औरतें भी कर रही है। और ये कहना गलत होगा कि नहीं मुस्लिम औरतें घर का काम ही कर रही है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। तो ये अप टू द पर्सन चॉइस है कि लाइक उसको क्या करना है, वेदर शी वॉन्ट्स टू अडॉप्ट हिजाब और नॉट, वो बंदे की अपनी है। और ये भी नहीं है कि अगर आप मुस्लिम हो तो आपको हिजाब लेना कंपल्सरी है, ये इंसान का अपना वो है एक पर्सपेक्टिव। और सेम वो हिंदू में भी है कि अगर कोई लेना चाहता है, अगर आप कोई दुपट्टा लेना चाहते हैं घूंघट लेना चाहते हैं तो वो ले सकता है। तो मुझे लगता है कि सही है, ये अपना अपनी अपने थॉट्स पर है बेसिकली। तो ये बोलना गलत होगा कि मुस्लिम औरतों को दबाया जाता है। और बाकी वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव थी, वही बहुत कमाल की वीडियो थी। आप लोगों को कैसी लगी आपको क्वेश्चन जरूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।